गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम आल्सो फाइन. ओके बेटा, लास्ट सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे ना, इंग्लिश में स्क्रैप बुक. यस, संतुष्ट? यस बेटा. तो कंप्लीट नहीं हुआ था, आज उसको कंप्लीट करेंगे. जो बचे हुए टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करेंगे. चलिए बुक ओपन करिए, पेज नंबर 39, चैप्टर नंबर 1, मिलीज स्क्रैप बुक. सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे. ओके, माइक किसी का नहीं ऑन होना चाहिए. अगर हम बोलेंगे माइक ऑन करने के लिए, फिर आप माइक ऑन करना. अगर सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही होगी, अपना हैंड शो कर लेंगे. जिसको बुक दिख रही है स्क्रीन पे, ओके. पेज नंबर ओपन करिए 39. हाँ, ये सब हो कंप्लीट हो गया था ना. हम लोग को आज पढ़ना है मिली के ग्रैंड फादर के बारे में. क्यों संतुष्ट? यस. हम लोग ने रीड किया था मिली के बारे में, मिली के ब्रदर के बारे में, मिली के मदर, मिली के फादर के बारे में. आज हम लोग रीड करेंगे मिली के ग्रैंड फादर के बारे में. मिस के ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड फादर भी हैं, ग्रैंड मदर भी हैं. ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में रीड करेंगे मिली के. मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम. क्या बेटा? मैम मैं 22 कमा दीजिए. कौन सा पेज? इसके पहले वाला? 23. जो भी नहीं हुआ है आपका, आप वीडियो देखना यूट्यूब पे, उस दिन का जिन पढ़ाया गया होगा उस दिन आप देख के कंप्लीट कर लेना. अभी जो पढ़ा दिया गया उसको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा. ओके, आपने क्लास नहीं लिया, अब आप देखना वीडियो में, हर दिन का वीडियो जाता है यूट्यूब पे, आप सर्च करके राइट कर लेना जो भी कंप्लीट करना होगा. चलिए बेटा, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं मिली के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में. चलिए रीड करिए. जानवी माइक ऑन करिए. जानवी आवाज जा रही है आपको बेटा? माइक ऑन कर लो, आवाज जा रही हो तो. संतुष्ट? चलो बेटा आप ही रीड करिए, जानवी को आवाज नहीं जा रही है सर. जी सर, माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड my grandfather loves grand gardening. I help him what the place my grandmother loves are reading books. She tells me stories. अंशुमान पांडे बेटा वीडियो ऑन करो, आपको रिमूव करने जा रहे हैं यहाँ से. आप वीडियो ऑन करके बैठे रहते हो, वीडियो ऑन करिए. अंशु सानी आप भी वीडियो ऑन करिए. जो वीडियो ऑफ करेगा उसको रिमूव कर दें, फिर क्लास नहीं ले पाओगे आप. जल्दी वीडियो ऑन कर लो. ओके, मिली जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बता रही है. दीज आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मिस उसके दादा दादी हैं. आप देखिए पिक्चर बना हुआ उसके ग्रैंड पेरेंट्स का, जिसके ग्रैंड फादर है और ये उसके ग्रैंड मदर है. ओके, मिली की. देन दे आर काइंड एंड केयरिंग. ये जो है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? काइंड मीन्स दयालु होता है. काइंड मीन्स अंशुमान पांडे मैडम माइक ऑन करिए. काइंड मीन्स क्या होता है? काइंड, के आई एन डी, काइंड.
दयालु। ओके, तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत दयालु हैं, सब पे बहुत दया करते हैं। एंड केयरिंग, केयरिंग मीन्स देखभाल करने वाला, और सबकी बहुत देखभाल करते हैं, दयालु भी हैं और सबकी देखभाल भी करते हैं। माई ग्रैंड फादर लव्स गार्डनिंग। अब देखते हैं उसके ग्रैंड फादर को क्या पसंद है। उसके ग्रैंड फादर को क्या पसंद है बेटा संतुष्ट? देख के बताइए, उसके ग्रैंड फादर को क्या पसंद है? गार्डनिंग में सारा बागवानी करना, मीन्स जो बाग में बगीचे में काम में फ्लावर लगाते हैं उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है? गार्डन की देखभाल करते हैं, उसमें फ्लावर लगाते हैं, वही गार्डनिंग होता है। तो उसके फादर को क्या अच्छा लगता है? गार्डनिंग करना, मीन्स गार्डन में फ्लावर लगाना, उसकी देखभाल करना। ओके, कितनी आवाज जा रही है? ओके, आई हेल्प हिम वाटर द प्लांट्स। मिली कहती है मैं अपने ग्रैंड फादर की हेल्प करती हूँ, सहायता करती हूँ। क्या करने में? वाटर द प्लांट, प्लांट को पानी देने में, जो पौधे हैं गार्डन में उनको पानी देने में मैं अपने ग्रैंड फादर की हेल्प करती हूँ। माई ग्रैंड मदर लव्स रीडिंग बुक्स। देखते हैं उसकी ग्रैंड मदर को क्या पसंद है। उसके ग्रैंड फादर को तो गार्डनिंग करना पसंद है। हाँ बेटा, मैम क्या बेटा? कीर्ति, स्टोरी स्टोरी सुनाना, पढ़ना, कहानी की किताब को पढ़ना। माई ग्रैंड मदर लव्स, मेरे ग्रैंड मदर को अच्छा लगता है रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, ठीक है? वो बुक्स रीडिंग करती, किताबें पढ़ती हैं। सी टेल्स मी स्टोरीज, वे मुझे कहानियां भी सुनाती हैं। स्टोरीज मीन्स कहानियां होता है, ठीक है? हमारी ग्रैंड मदर जो है हमें कहानियां भी सुनाती हैं। अभी को आया समझ में? यहाँ पे देखिए, ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स का हैंड प्रिंट है, ये उसके ग्रैंड मदर का हैंड प्रिंट है, ये उसके ग्रैंड फादर का हैंड प्रिंट है। जैसे उसने अपने फादर का लिया था, मदर का लिया था हैंड प्रिंट, सेम वैसे ही उसने अपने ग्रैंड फादर का और ग्रैंड चिपका मदर का भी लिया है। किसी का माइक ऑन हो तो आवाज आ रही है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, बेटा पिक्चर किसका है देख के बताइए। इस पेज पे मिली ने स्क्रैप बुक के इस पेज पे किसका पिक्चर पेस्ट किया है? किसका बेटा? संस्कृति, मिली के पेट का। अच्छा, पेट मीन्स क्या होता है? पेट मीन्स पालतू। पेट मीन्स पालतू। पेट को हम कहाँ पे रखते हैं? जो पेट हम घर पे, घर पे, घर रखते। पे। गुड। तो क्या आप फाइव पेट एनिमल्स के नेम बता सकते हैं आप सभी? मुझे बताइए बेटा, फाइव पेट एनिमल्स के नेम। वन बाय वन बेटा, एक साथ नहीं बोलना। चलिए पे कीर्ति को बताने दो, सब लोग माइक ऑफ कर लो, कीर्ति को बताने दो पहले। यस कीर्ति, बोले बेटा पेट एनिमल्स के नाम बताइए। डॉग, कैट, काऊ और बैल। क्या बेटा? बैल और बताइए, गोट। हम पैरेट को भी रखते हैं घर पे ना, पेट के रूप में। क्यों बेटा? पैरेट को भी रखते हैं ना घर पे? यस मैम। ओके, तो पैरेट भी आप बोल सकते हैं। चलिए नैतिक आप बताइए, नैतिक माइक ऑन करिए, पेट एनिमल्स के नेम बताइए। संस्कृति, मैम चलिए आप बताइए बेटा पेट एनिमल्स के नेम। मैम डॉग, कैट, पिग, फ्रॉग,
क्रो को भी रखते हैं हम? क्रो को भी घर पे रखते हैं पेट के रूप में? नो मैम। काउ बोला, क्रो बोला है आपने, क्या बोला है? हार्स। विशाल जी बेटा बोलिए, विशाल माइक ऑन करिए। विशाल बोलो बेटा जल्दी। हाँ पैरट, रैबिट, पिग, हॉर्स, डॉग, काउ, बफेलो, ओके बेटा। एंजल माइक ऑन करिए, वीडियो भी ऑन करिए। एंजल एंजल यस बेटा बोलिए। फाइव पेट एनिमल्स के नेम? कैट और बस कैट ही। श्रद्धा आचार्य माइक ऑन करिए। श्रद्धा आवाज जा रही है आपको? श्रद्धा वर्मा माइक ऑन करिए बेटा। चलिए फाइव पेट एनिमल्स का नेम बताइए। फाइव पेट एनिमल्स का नेम बोलिए बेटा। ओके चलिए यहाँ पे रीड करते हैं। जो यहाँ पे मिली है उसने अपने स्क्रैप बुक में अपने पेट का भी फोटो पेस्ट किया है, और पेट का जो है पंजा होता है, तो जो उसका पेट है उसके पा का निशान भी यहाँ पे लिया है, पंजों का निशान भी यहाँ पे लिया है। ओके तो माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करिए श्रद्धा। हम देखते हैं उसने अपने पेट के बारे में राइट क्या किया है। चलिए इसको पढ़िए, कौन रीड करेगा? संतुष्ट को छोड़ के और कौन रीड कर सकता है? जानवी। अंशुमान पांडे के लिए आप रीड करिए। अंशुमान पांडे माइक ऑन करिए। अंशुमान एक ही बार बोलेंगे, नहीं किसी आपसे बोलेंगे नहीं पांडे के लिए, ठीक है? आगे माय, एम वाई माय होता है, पीई टी क्या होगा ये? पिट नहीं होता, पीई टी पैट। चलिए संस्कृति आप पढ़िए बेटा। संस्कृति माइक ऑन करिए। दिस इज माय पेट। आगे फ्लफी, 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 दीज आर हिज पा, पापा, प्रिंस, एंड फ्लफी, फ्लफी एंड आई, फ्लफी एंड आई प्ले विद अ बॉल, विद अ बॉल माय पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, आ फ्लफी, आर माय फैमिली, आई लव देम अ लॉट। ओके बेटा चलिए इसका मीन देखते हैं। दिस इज माय पेट फ्लफी, मिली कह रही है यह मेरा पालतू फ्लफी है, डॉग है जिसका नेम क्या है? फ्लफी नेम है उसका, क्या नेम है इसका डॉग का? नेम क्या है? फ्लफी। उसका मेरा ये पालतू फ्लफी है। देन दीज आर हिज पा प्रिंट्स, पामिस होता है पंजा,
ठीक है, पामीज पामिस पंजा होता है, तो यहाँ पे जो डॉग है उसके पा का निशान है ये, उसके पंजों का निशान है, तो ये मेरे पेट के पंजों का निशान है, ये देखिए ऐसे होते ना उसके पा के निशान डॉग के। ओके देन फ्लफी एंड आई प्ले बिथाबा, फ्लफी और मैं दोनों एक साथ क्या करते हैं, बाल प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है। पढ़ रही हूँ तो इसको ध्यान दो। फ्लफी और मैं जो है दोनों एक साथ मिलके गेम खेलते हैं, बॉल खेलते हैं। माय पेरेंट्स मेरे माता पिता, ब्रदर मेरा भाई, ग्रैंड पेरेंट्स मेरे दादा दादी, एंड फ्लफी आर माय फैमिली, ये सभी मेरे फैमिली है, मेरा परिवार है। कौन कौन से परिवार में है बेटा? श्रद्धा की फैमिली में कौन कौन है? मैम, फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड फफी। मिली है फफी, उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता उसके हैं, ब्रदर उसका भाई है उसके साथ, ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा दादी उसके साथ रहते हैं, और उसका पेट फ्लफी उसके साथ रहता है, मिली के साथ। ये मिली की फैमिली है, उसका परिवार है। आई लव देम अ लॉट, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। मिली कहती है मैं अपने फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ। आप सभी फैमिली को प्यार करते हैं ना, सभी आप लोगों को अपनी फैमिली में? Yes, तो ऐसे मिली भी अपनी फैमिली में सभी मेंबर्स को बहुत प्यार करती है, ठीक है। कीर्ति मैडम माइक कौन करिए, फिर बोले बेटा मिली की फैमिली में कौन कौन है? उसकी मम्मी, उसके पापा, उसका भाई, उसका भाई और कौन है, उसके दादा दादी, दादी और उसका डॉग, उसका डॉग। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मम्मी, पापा, ओके माइक ऑफ करिए। तो सभी को आगे समझ में मिली की फैमिली के बारे में सबने रीड किया? चलिए अब आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं मिली की फैमिली। यहाँ पे देखिए पेज और है, अभी लास्ट पेज देखते हैं। मिली की जो स्क्रैप बुक है उसका लास्ट पेज क्या है? उसके लास्ट पेज में मिली ने क्या किया है? ब्लैंक्स कर दिया, मिस को ऐसे ही खाली कर दिया लास्ट पेज। क्या करने के लिए? गेस करिए इसमें क्या हो सकता है लास्ट पेज में, बताइए लास्ट पेज में मिली क्या राइट कर सकती है? फ्रेंड का। यस बेटा, या उसके फ्रेंड का है। उसका फ्रेंड कौन है? मिली का फ्रेंड कौन है? गेस करिए उसका फ्रेंड कौन है मिली का? संतुष्ट नहीं पता कौन उसका फ्रेंड। नैतिक आप बताइए, डॉग, डॉग तो उसका पेट है। उसका फ्रेंड पूछ रही कि मिली का फ्रेंड कौन, उसका दोस्त कौन है। जैसे आपके पास फ्रेंड होते हैं ना, वैसे मिली के पास भी एक फ्रेंड है। अच्छा मैम, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ हाँ दिख रहा बेटा। श्रद्धा चलिए आप बताइए बेटा, मिली का फ्रेंड कौन है? फ्लफी। फ्लफी उसका डॉग है बेटा, फ्रेंड नहीं है, मतलब उसका डॉग है। नहीं गेस कर पा रहे उसका फ्रेंड कौन है, चलिए देखते हैं उसका फ्रेंड कौन है। अभी मिली यहाँ पे राइट की होगी, तो इस पेज को उसने ब्लैंक कर दिया, मिस खाली कर दिया है अपने फ्रेंड के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, दिस पेज इज फॉर माई फ्रेंड, मिली कह रही है, या जो स्क्रैप बुक का लास्ट पेज है ये मेरे फ्रेंड का है, मेरे दोस्त का है।
आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। आप सभी से कह रही है मिली कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, या पेज हमारे फ्रेंड मेरे फ्रेंड का है और मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। हेल्प मी रिमेम्बर यू, मेरी हेल्प करो, सहायता करो कि मैं तुम्हें याद रख सकूं। ठीक है मिली, जो है आपको याद रखना चाहती है हमेशा, इसलिए पेज आपके लिए छोड़ के रखा है, आपको आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती है ताकि आपको हमेशा याद कर सके वो, तो आप उसका दोस्त बनना चाहोगे? संस्कृति कितने लोग मिली का दोस्त बनना चाहते हैं? मिली का दोस्त कितने लोग बनना चाहते हैं? हैंड शो करिए जो मिली का फ्रेंड बनना चाहता है। गुड, तो इसके लिए आपको कुछ करना है इस पेज में, अगर उसका फ्रेंड बनना चाहते हो तो गेस करिए क्या करना है, बताइए। अगर आपको मिली का फ्रेंड बनना है, वेरी गुड, यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है। ऐसे यहाँ पे मिली ने अपनी फैमिली का फोटो लगाया है ना, ऐसे ही आपकी फोटो उसके पास तो होगी नहीं, इसलिए उसने छोड़ दिया है आपके लिए। तो इसमें आप भी फोटो लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हाथ का निशान यहाँ पे लेंगे। जैसे हाँ, अब बाकी जो यहाँ पे फैमिली का हैंड प्रिंट यहाँ पे लिया है, सेम ऐसे ही आपको अपना हैंड प्रिंट यहाँ पे बनाना है। ठीक है? यस मैम। तो ये आपका वर्क है आज का, यहाँ पे अपनी फोटो लगाना प्लस यहाँ पे अपने हाथ का निशान भी लगाना। सब लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको? यस मैम। गुड, ड्रॉ और पेस्ट योर पिक्चर। मिली बता रही है आपसे कि आपको अपना पिक्चर ड्रॉ करना है, अगर नहीं ड्रॉ कर पाए पेस्ट कर दो पिक्चर, अपनी फोटो यहाँ पे लगा दो। डन, इनसाइड द ब्लू फ्रेम, जो ब्लू फ्रेम है यहाँ पे, फ्रेम इसको बोलते हैं, इसके अंदर फोटो लगाना है, बाहर नहीं, ये ब्लू फ्रेम के अंदर। ओके ओके, कलर योर हैंड, फिर अपने हैंड को कलर करना है आपको, कलर लेना प्लेट में, फिर अपने हैंड को आप कलर करना, फिर हैंड में का हैंड प्रिंट ऑन द अदर साइड, अदर मीन्स दूसरा होता है जो दूसरी तरफ जो पेज है उस पेज पे आपको अपना हैंड प्रिंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अपना हैंड प्रिंट बनाओगे, फोटो बना लेंगे ना, यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट करेंगे। संस्कृति समझ में आ रहा है? नैतिक, विशाल, सभी को इस पेज को कंप्लीट करके सेंड करना है। ओके बेटा, हमने आपको एक वर्क दिया था कि आप सभी को मिली की तरह स्क्रैप बुक बनाना है, तो कितने लोगों ने बना लिया स्क्रैप बुक? बनाया भी है? यस, जानवी ने बनाया है। संस्कृति, आपने सेंड तो नहीं किया ग्रुप में, बना तो सबको सेंड भी कर दो, ठीक है, देखते हैं कैसे बनाया है आपने। जो नहीं बनाए हैं कंप्लीट कर लेंगे, कल संडे है ना, तो कल आप लोग स्क्रैप बुक बना लेना बैठ कर सभी लोग। स्क्रैप बुक में पता है क्या करना है ना आपको, अपनी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सभी का पिक्चर पेस्ट करना है, उनका हैंड प्रिंट लेना है और उनके बारे में आपको कुछ सेंटेंस राइट करने कि उनको क्या अच्छा लगता है करना। जैसे मिली ने राइट किया है, उसके फादर को क्या पसंद है, उसकी मदर को क्या पसंद है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को क्या पसंद है, तो ऐसे ही आपको भी अपने फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सभी का फोटो पेस्ट करना अपनी स्क्रैप बुक में, हैंड प्रिंट लेना है और उनको क्या अच्छा लगता है आपको ये भी राइट करना है। सब लोग कर लेंगे कंप्लीट इसको? अगर आप कंप्लीट करोगे तभी मिली जो अपना दोस्त बनाएगी आपको, नहीं तो नहीं बनाएगी। अगर अपना आप होमवर्क नहीं कंप्लीट करोगे तो मिली आपको दोस्त नहीं बनाएगी। चलिए आगे देखते हैं, तो सभी को आगे समझ में मिली कि फैमिली के बारे में सबने रीड कर लिया अच्छे से? अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए गए हैं, इसका आंसर आप सभी को देना है वन बाय वन। जिसको आंसर पता होगा अपना हैंड शो कर लेंगे, एक साथ चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है? गेट गोइंग, यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं।
लेट्स फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द स्टोरी. हमने जो स्टोरी पढ़ा, जो कहानी पढ़ी मिली के बारे में, अब उस कहानी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सभी से. तो ये सभी का आंसर आपको देना है, ठीक है. लड़ी का नाम है मेरा. मैच द पिक्चर ऑफ ईच पर्सन विद व्हाट दे लव टू डू. यहाँ पे देखिए पिक्चर है, पर्सन का पिक्चर बना हुआ, जो व्यक्ति यहाँ पे स्टोरी में थे उन सभी का पिक्चर यहाँ बना हुआ है. अब उन्हें करना क्या अच्छा लगता है, उनको उनके पिक्चर से मैच करना है, ठीक है. देन वन हैज बीन डन फॉर मीन्स एक आपके लिए करके दिखाया गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ग्रैंडफादर. मिली की ग्रैंडफादर को आप सभी को पता है क्या पसंद है. गार्डनिंग करना, लव्स गार्डनिंग. ऐसे यहाँ पे मिली का पिक्चर बना हुआ है. अब आप लोग बताइए हमें कि मिली को क्या अच्छा लगता है. हैंड शो करेंगे इसको पता होगा मिली को क्या अच्छा लगता है. यस जानवी बोले मेरा, मिली को क्या अच्छा लगता है. सिंगिंग एंड डांसिंग. केति पांडे बेटा आप बताइए मिली को क्या अच्छा लगता है. कीर्ति माई कौन करिए. सिंगिंग एंड डांसिंग. कहीं पर आयशा सिंगिंग एंड डांसिंग. नो मैम. नहीं आयशा. तो कैसे मैच करेंगे. कहाँ पर आयशा. जो कॉलम बी है उसके सेकंड कॉलम में मिली यहाँ पे है. लव्स टू सिंग एंड डांस. मिली लव्स टू सिंग एंड डांस. मैच कर लीजिए सभी लोग ऐसे इसको. मिली लव्स टू सिंग एंड डांस. सिद्धार्थ को मैच करिए बेटा बुक में. मुझको पता है. हाँ पता है. मिली मदर को क्या अच्छा लगता है सभी को पता होगा. मैं पेंटिंग करना. पेंटिंग करना. गुड. मिली की मदर को पेंटिंग करना अच्छा लगता है. तो यहाँ पे मैच करेंगे हम लव्स टू पेंट. ओके अंशमान चलिए आप बताइए बेटा मिली के फादर को क्या अच्छा लगता है. अंशमान बताएंगे. कुकिंग. कुकिंग तो राइट ही नहीं है. बेक केक. बेक केक. ओके केक बेक करना उसके फादर को पसंद है. यहाँ से मैच करेंगे लास्ट टू बेक केक्स. ग्रैंड फादर का मैच ही किया गया है. देन लास्ट है ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर को क्या पसंद है. कीर्ति आप बताइए बेटा उसके ग्रैंड मदर को क्या पसंद है. ओके बेटा तो आप ऐसे मैच कर लेंगे सभी लोग अपनी बुक में मैच कर लेंगे. गुड. इरेज कर दे बेटा. इरेज कर दे.